आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। ललितपुर में ललितपुर पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक के कुशल निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई और आबकारी विभाग ने छापेमारी की। ग्राम मऊ माफी कबूतरा डेरा पर दबिश देकर मौके से 350 लीटर कच्ची शराब, 5000 लीटर लहन और शराब बनाने के उपकरणों को नष्ट किया गया। 3 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। फर्रुखाबाद में दबंग प्रधानपति और उसके साथी के हौसले बुलंद हैं। चुनावी रंजिश में प्रधानपति ने अपने साथी के साथ पत्रकार पर हमला बोल दिया। प्रधानपति और उसके साथी ने पत्रकार पर पिस्तौल भी डाल दी। पत्रकार के विरोध करने पर दबंगों ने शराब के नशे में पत्रकार के घर में घुसकर जमकर गाली गलौज की है, पिस्तौल तान दी, जिसके बाद गोली मारने की धमकी दी। पत्रकार ने पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा को फोन पर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। बुलंदशहर कुर्रा क्षेत्र के गांव वाजिदपुर में रिक्शा और कार की मामूली टक्कर हो जाने पर बवाल हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जमकर पथराव भी हुआ। रिक्शा और कार की मामूली टक्कर के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष दिखाई दिया है। इस बवाल में दो पक्षों के 17 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे, एम्बुलेंस के माध्यम से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के आदेश पर टॉप 10 अभियुक्ता सितारा पत्नी अराजी निवासी मोहम्मद सरायधारी जनपद नगर द्वारा मादक पदार्थ का कारोबार करके अर्जित की गई करीब करीब 42 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। तहसीलदार सदर और प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर द्वारा पुलिस टीम को साथ लेकर टॉप 10 ऐसे अभियुक्ताओं को सर्च किया गया, जिसके बाद उनके मकानों की कुर्की की गई है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कांवड़ यात्रा के डिस्ट्रिक्ट कांवड़ियों के आने जाने वाले कांवड़ मार्गों का भ्रमण निरीक्षण कर रामघाट पर स्थित गंगा घाट पहुंच सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम चंद्रप्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार द्वारा थाना रामघाट क्षेत्रांगत गंगा घाट का निरीक्षण करते हुए कांवड़ यात्रा के दौरान घाट से जल भर कर ले जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। जिनमें कमियां दिखी उनको लेकर यहां पर तमाम निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था कराए जाने के निर्देश दिए गए। बुलंदशहर के नगर सिकंदराबाद मोहल्ला खत्रीवाड़ा पानी की टंकी के पास स्थित नाले में 24 वर्षीय सोनम का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दो दिन से घर से गायब थी महिला। लापता महिला का नाले में शव मिलने से हड़कंप मचा है। पति से झगड़ा होने के बाद महिला लापता बताई जा रही है। महिला ने गैर बिरादरी के युवक से प्रेम विवाह किया था। ऐसे में शक के आधार पर पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है और छानबीन में जुट गई है। बुलंदशहर की तहसील सियाना के गांव पिलखनी में हुए राशन डीलर के चुनाव में की गई धांधली सीसीटीवी कैमरे में जैसे ही कैद हुई सबके पोल खुल गए। सरकारी कर्मचारी और प्रधान की गड़बड़ झालाकर दूध सीसीटीवी में कैद हुई है। प्रधान पक्ष ने सफाई कर्मी को अधिक से अधिक वोट डालने का लालच दिया। प्रधान पक्ष ने धड़ल्ले से वोट डाल रहा सफाई कर्मी सीसीटीवी में कैद हो गया। बुलंदशहर में महिला मजदूरों से भरी तेज रफ्तार महिंद्रा मैक्स गाड़ी NH91 हाईवे पर आग से चल रहे पानी के टैंकर से टकरा गई। दर्दनाक भीषण हादसा हो गया, इसमें 3 महिला मजदूरों की मौत हो गई। 8 महिला मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घायलों को बुलंदशहर जिला अस्पताल और खूजा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलंदशहर थाना खूजा देहात क्षेत्र के NH91 पर मधुसूदन डेयरी के पास यह हादसा हुआ। बुलंदशहर में नहर में डूबे 13 वर्षीय दीपांशु का शव बरामद हुआ है। करीब 17 घंटे रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद बच्चे के शव को बरामद किया गया है। पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चा मृत अवस्था में मिला। नहर के पास पशु चराते वक्त बच्चा नहर के अंदर पहुंच गया, जिसके बाद डूब गया, जिसके बाद बहुत कोशिश की गई और आखिरकार बच्चे का शव बरामद हुआ। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र के गाँव रानापुर का एक पूरा मामला है।
बुलंदशहर में सफाई के लिए गंदे पोखर में बुलंदशहर सदर विधायक प्रदीप चौधरी उतर आए। विधायक द्वारा गंदे पोखर की सफाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर सदर के गांव सुजापुर का ये वीडियो बताया जा रहा है। आगरा में स्कूल की मार्कशीट में अंक दिए जाने की मांग को लेकर विद्यार्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न माध्यमों से अंकों की मांग कर रहे हैं। रविवार को ताजमहल के साय में दशहरा घाट पर विद्यार्थी इकट्ठा हुए और वहां वीमांट मार्कशीट वीमांट जस्टिस सरकार सुनो हमारी पुकार अंकों की है दरकार जैसे नारे सरकार के सामने लगाए हैं। अंक देने की मांग की है। विद्यार्थियों ने कहा कि अंकों के लिए हम दरवाजे पर दस्तक दी है लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिल रही है। विद्यार्थी परेशान है, इसका जल्द से जल्द हल निकलना चाहिए। सत्र 2021 में हमारे स्कूल की कक्षा में थे और उस समय बोर्ड ने एग्जाम नहीं कराए थे। सभी बच्चों को मार्क्स दिए गए थे लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको मार्क्स नहीं दिए गए हैं। उनकी मार्कशीट में केवल प्रमोटेड लिख दिया गया है। अगर हम किसी कंपटीशन एग्जाम में उस प्रमोटेड वाली मार्कशीट को लेकर जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कोविड के दौरान वर्ष 2020-21 सत्र में हाईस्कूल की परीक्षाएं बोर्ड द्वारा नहीं कराई गई थी। उनमें से कक्षा 9 और हाईस्कूल प्री बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर नंबर दिए गए थे लेकिन 128 बच्चे ऐसे हैं जिनको नंबर नहीं मिले हैं। अब बोर्ड ये कहता है कि हमें विद्यालय से नंबर प्राप्त नहीं हुए थे इसलिए हमने नंबर नहीं दिए, जबकि स्कूल वाले कह रहे हैं हमने नंबर दे दिए। जब नंबर स्कूल में भेजे बोर्ड को नहीं मिले, आखिर में नंबर गए कहाँ? गलती जिस किसी की भी हो लेकिन बच्चे परेशान हैं, बच्चे उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। सभी प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर आए, सांसद विधायक मंत्रियों से मिलकर आए लेकिन किसी ने इनकी गुहार नहीं सुनी। बारिश का मौसम तमाम लोगों के लिए खुशहाली लेकर आता है तो कईयों के लिए तरह तरह की बीमारियां भी साथ लाता है। तमाम तरह की वजह और बीमारियों से बचने के बेहतर तरीके भी सुझाए गए हैं। लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिक बाटला ने कहा कि वैसे तो बारिश का मौसम का आनंद अवश्य लें परंतु कुछ बातें विशेषकर खान पान पर ध्यान रखें। पानी उबालकर ठंडा करके पिए, तला हुआ भोजन खाने में कम इस्तेमाल करें, घर के आसपास पानी जमा होने ना दें जिससे डेंगू मच्छर पैदा हो सकता है। गदरपुर के करतारपुर रोड पर कुछ दिन पहले हुई फायरिंग की घटना के एक आरोपी को गदरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह ने बताया कि कुछ दिन पहले एक युवक करतारपुर रोड पर रहने वाला है और थाने में कुछ दबंगों द्वारा गोलियां चलाई गई जिसके बाद तहरीर दी गई। तहरीर देने के आधार पर कार्रवाई की गई है और लगातार तलाश की जा रही थी, आखिरकार उसे धर दबोचा गया। जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे के द्वारा अवगत कराया गया था कि शासन के निर्देशानुसार वर्षा ऋतु में गंगा एवं सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने के दृष्टिगत जनपद में संचालित तमाम जो मिट्टी खुदाई के लिए यहां पर डेट दी गई है वो ये है कि 30 जून 2022 तक और सूर्यास्त के पश्चात आदेशों तक रोक लगाई गई थी और अवैध खनन करते पाए जाने पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। लेकिन खनन पर रोक लगाए जाने के बावजूद भी लक्ष्य क्षेत्र में अवैध खनन किया जा रहा था जिसकी सूचना मिलने पर अक्सर एसडीएम के द्वारा बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।